स्थानीय विवाह भवन 0 Mile NH 31 नवगछिया। शादी विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारे। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वार ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, देश के किस राज्य में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है? ए झारखंड, बी असम, सी उत्तराखंड या डी पश्चिम बंगाल? वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। पटना में हुए लाठी चार्ज के खिलाफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का किया पुतला दहन। भागलपुर के स्टेशन चौक पर पटना में कांग्रेस छात्र विंग NSUI के कार्यकर्ताओं पर हुए लाठी चार्ज के खिलाफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंका गया। बेरोजगारी को दूर करने के मुद्दे पर प्रदेश NSUI के द्वारा विधानसभा घेराव के जाने का कार्यक्रम था। इसी दौरान पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया, जिससे कई NSUI के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता घायल हो गए हैं। उसी के विरोध में भागलपुर में NSUI और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यक्रम के दौरान मुजफ्फर अहमद, अमित आनंद, विशाल कुमार, प्रशांत बनर्जी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। विधानसभा का शांतिपूर्ण मार्च था, घेराव था बेरोजगारी के मुद्दा को लेकर, लेकिन नीतीश सरकार ने लाठीचार्ज किया निहत्थे छात्रों पर। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो महामंत्री श्री प्रवीण सिंह कुशवाहा हैं, उन पर भी लाठीचार्ज किया गया। हम निंदा करते हैं कि नीतीश कुमार की ये तानाशाही रवैये से छात्र के विरोधी छात्र जो न्याय मांग रहे हैं, जो रोजगार मांग रहे हैं, उसके लिए जो है आपके ये विधानसभा का घेराव था उस पर लाठीचार्ज किया गया। उसी के विरोध में हम लोग आज यहाँ पर नीतीश कुमार का पुतला दहन कर रहे हैं। मुजफ्फर अहमद, उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी भागलपुर। भागलपुर स्कूल में हो रहे फर्जीवाड़े के खिलाफ छात्र पहुंचा जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास। भागलपुर में छात्रों के नाम का फर्जी अकाउंट बनाकर स्कूल के शिक्षक सरकार के द्वारा मिलने वाली सारी सुविधाओं के राशि गबन करने में लगे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं गांधी इंटर विद्यालय मुरहन जमीन की, जहां इस स्कूल के शिक्षक ने स्कूल के छात्रों का फर्जी अकाउंट बनाकर उनको मिलने वाली तमाम सुविधाओं का पैसा उस अकाउंट में मंगवा कर गबन कर रहे हैं। इस मामले का तब उजागर हुआ जब एक छात्र आवेदन लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय पहुँचा। उस छात्र शिक्षक पर यह भी आरोप लगाया है कि वह स्कूल नहीं आते हैं, कोर्ट में वकील हैं और वहां काम करते हैं। फिलहाल जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा कि एक कमेटी बनाकर मामले की जांच कराई जाएगी और स्कूल जाकर इस मामले को समझेंगे, फिर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। विगत गांधी इंटर उच्च विद्यालय जमीन मुरहनहाट में विगत कई वर्षों से करोड़ों का घोटाला का मामला चल रहा है, जिसपे तकरीबन उस विभाग से जुड़े सभी अधिकारी को इस बात का जानकारी है। सबके कानों के नीचे ही घोटाला चल रहा है, 1.5 करोड़ का, 63 लाख का कुछ एक बार प्रपत्र को गठित करवाया, 7 लाख का एक बार, फिर वही 10 लाख का टेबल डेस्क वाले में घोटाला किया है। यानी घोटाला का वहाँ अंबार लगा हुआ है, 1.5 करोड़ का टोटल घोटाला किया है। उसमें ऋषिकांत सर की प्रमुखता है, जो कि ऋषिकांत सर वहाँ के प्रभारी प्रधानाध्यापक महोदय हैं और उनका साथ देते हैं वो वकील साहब, पेशे से वो वकील हैं और स्कूल में टीचर के कार्यरत पे भी हैं, वो कभी विद्यालय नहीं जाते हैं। उनका टोटल उपस्थिति पंजी का फोटोकॉपी है, सप्ताह में एक दिन दो दिन विद्यालय जाते हैं, सभी दिन का अटेंडेंस बनाते हैं, बाकी बाद वो कचहरी में बैठ के अपना वकीलीगिरी करते हैं। और जब ये शिकायत हम उच्च अधिकारी से करने की बात करते हैं या वहाँ जाते हैं तो झूठे केस में फंसा देने की बात करता है या ऐसी ऐसी बात करता है, जिसका हम आवेदन में भी जिक्र किए हैं, पहले भी 2 बार आवेदन दे चुके हैं। अकाउंट वाला मामला लेके आए थे कि पैसा आ गया है अकाउंट? वो अकाउंट वाला मामला ये है, इसमें सभी छात्र छात्राओं को हेडमास्टर फर्जी अकाउंट बनाता है कि इसमें पैसा मिल गया है, जबकि किसी इसमें मतलब 20% विद्यार्थी के अकाउंट में पैसा जाता है, बाकी बात किसी के अकाउंट में पैसा नहीं जाता, ये फर्जी लिस्ट जल कर वहाँ इसे टोटल हजारों स्टूडेंट का पैसा फंसा हुआ है और सभी का के साथ वही स्थिति है। आप लोग से गुजारिश है कि इसको नाम बताओ। नाम अजीत कुमार। किस मामले का पैसा फंसा? छात्रवृत्ति, पोशाक, साइकिल, प्रोत्साहन, खेलकूद, भवन।
बेबुनियाद और निराधार है। आपको जानकारी होगी कि वहाँ हमारे गोराडी प्रखंड में ऑनलाइन अटेंडेंस बनता है जी, कुछ दिन पहले से बंद हुआ है, तो ऑनलाइन में बिना जाए तो संभव नहीं है कि अटेंडेंस आपका बन जाएगा। ठीक, रही बात रजिस्टर पे, जब तक हम जाएंगे नहीं तो मेरा रजिस्टर पे कोई और तो अटेंडेंस नहीं बना देगा ना, सिर्फ आरोप लगाने मात्र से नहीं होगा, उसकी आप संपुष्टि कर लें। हम शिक्षक हैं, इसके पूर्व में चैम्बर में भी हर रोज बैठते हैं, आपने नहीं देखा होगा कि हम चैम्बर में बैठते हैं, इसलिए नहीं नहीं आपके हर दिन का, आपका हर दिन का अगर आपके पास में रिकॉर्ड है तो वो आप हमको रिकॉर्ड प्रूफ कराएंगे भी चैम्बर। जी ठीक है, आप हमको दिखाएंगे तो हम उस चीज़ को संपुष्टि करेंगे ना। नहीं, हम चैम्बर में नहीं बैठे हैं, हम अपने वहाँ बैठ करके कागज का संधारण कर रहे हैं, अभी हमको साहब के पास में पेपर देना है जाकर। नहीं नहीं, मेरा चैम्बर नहीं है, वकील की कुर्सी नहीं है भाई, आप भी वहाँ जाके बैठ सकते हैं, नहीं वो वकील की कुर्सी नहीं है। अच्छा, ये मामला हम आपको ये जानकारी दे दें, एक सेकंड, आपको ये जानकारी दे दें कि पूर्व में मैं वकालत ही करता था जी, 2016 में मैं जब से ज्वाइन किया हूँ तब से आप मेरा जाके डीबीए में जानकारी ले लीजिए कि मेरा नाम कट चुका है। ठीक है, अगर हम वकालत करेंगे तो हम अपने नाम से यहाँ सब्सक्रिप्शन भी कटाएंगे, मेरे नाम से यहाँ आप जाकर के जानकारी ले लेंगे, मेरा नाम कटा हुआ मिलेगा आपको। एक वकील होने के नाते हम ये गलती नहीं कर सकते। किस विषय में शिक्षक? संगीत शिक्षक हूँ मैं। संगीत के शिक्षक? जी, प्लस टू में। संगीत में कितने बच्चे हैं जी? आप कितने दिन से शिक्षक? 2016 फरवरी से। संगीत में कितने आरोप है जी? निराधार है सर। संगीत में कितने बच्चे हैं आपके विद्यालय? 7, हर साल अलग अलग होते हैं, 7, 10, 16। इस तरह से 2020-21 में वहाँ संगीत में? संगीत में 7। हाँ, संगीत तो ऑप्शनल पेपर होता है तो उसमें तो ऑब्वियसली कि कम स्टूडेंट होते ही हैं। नीलेश चंद्र त्रिवेदी, संगीत शिक्षक प्लस टू। संगीत के टीचर हैं वो स्कूल नहीं जाते हैं लेकिन उनका अटेंडेंस मिलता है। ये गांधी उच्च विद्यालय जमीन मुरहनहाट के अंतर्गत ये विद्यालय है। आप लोग के द्वारा बताया जा रहा है कि ये टीचर जिनका नाम नीलेश कुमार चतुर्वेदी है वो विद्यालय नहीं जाते हैं, और जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि विद्यालय में जाकर के और पठन पाठन का कार्य ना कर अदर एक्टिविटी में संलिप्त हैं। कल मैं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी माध्यमिक शिक्षा या ऐसे की कमेटी गठित कर इसके संदर्भ में जांच करने के लिए भेज रहा हूं, और जांच के बाद ऐसे की उन पर ऐसे के देन एंड देयर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। चूंकि ये जो शिक्षक हैं जिनके बारे में आप लोगों के द्वारा बताया जा रहा है वो नियोजित शिक्षक हैं और उनके नियोक्ता जिला परिषद के जो नियोजन समिति के कमेटी होते हैं जिसके सेक्रेटरी कार्यपालक पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त होते हैं और चेयरमैन जिला परिषद के अध्यक्ष होते हैं। हम लोगों के द्वारा प्रपत्र का गठित करके भेज दी जाएगी और कार्रवाई सर डीडीसी सर को और चेयरमैन साहब को करनी है। स्कूल में सर बहुत सारी अनियमितता पाई गई है, स्कूल लेके प्रिंसिपल पे भी बच्चों द्वारा कई आरोप है। ऐसा है कि कल ही मैं आरोप जब यदि है किन्हीं पे और बच्चों के द्वारा लगाए जा रहे हैं तो शिक्षक उपस्थित हो जाएंगे तो भी बच्चे ऐसे की अपनी वास्तविक ऐसे की एक्टिविटी वहाँ बताएंगे ही कि ये शिक्षक आते हैं कि नहीं आते हैं, और उनकी यदि ये मतलब कि प्रतिदिन की ये एक्टिविटी है कि विद्यालय नहीं आना तो बच्चे बताएंगे। और आप लोग को मैं एक और चीज़ बता दूं कि हम लोग इस स्तर पर प्रयास करने जा रहे हैं कि अब सभी विद्यालय के HM प्रतिदिन वो सारे शिक्षकों की उपस्थिति में एक फोटो ऐसे की खींचेंगे और अटेंडेंस की डेली की फोटो खींच करके व्हाट्सएप करेंगे हमारे पास। तो हम प्रयास कर रहे हैं और आप लोगों का भी सहयोग है कि इस तरह की बातें हमारे सामने प्रकाश में लाए तो हम और ऐसे के अलग मतलब जो डिसीजन कठोर से कठोर डिसीजन हो सके वो लिया जा सके। तो हमारी प्रयास है कि इस तरह की एक्टिविटी व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग दूर करने में सक्षम होंगे। थैंक यू। नवगछिया में सड़क दुर्घटना में साले की गई जान, बहनोई सहित 2 घायल गंभीर स्थिति में मायागंज रेफर। नवगछिया थाना क्षेत्र के मां कामाख्या पेट्रोल पंप के समीप NH-31 पर हुए सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल पर सवार एक युवक की जान चली गई है जबकि मोटरसाइकिल पर सवार अन्य 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मृतक युवक पूर्णिया जिले के टीकापट्टी निवासी
जय किशन कुमार 22 वर्षीय पिता स्वर्गीय पारो सिंह है। घायलों में मृतक युवक के बहन हुई रंगरा ओपी क्षेत्र के मदरोनी निवासी आनंद कुमार 30 वर्षीय पिता सकलदेव सिंह एवं सबौर थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार निवासी डब्लू मंडल 40 वर्षीय शामिल है। दुर्घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची नौगछिया पुलिस ने दोनों घायलों को इलाज के लिए नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद घायलों की स्थिति को गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया। पुलिस द्वारा दुर्घटना की सूचना मृतक के परिजन को दी गई। सूचना मिलने पर मृतक के परिजन अनुमंडल अस्पताल पहुंचे, जहां सबका पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने सबको परिजनों को सौंप दिया। दुर्घटना के संदर्भ में प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि मृतक सहित दोनों युवक एक ही मोटरसाइकिल पर सवार थे, जो नौगछिया बस स्टैंड से 0 माइल की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रहे एक मोटरसाइकिल ने उसे हल्के से धक्का दे मारा, इसके बाद इसकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गई। इसी क्रम में नौगछिया की तरफ से जा रही ट्रैक्टर ने उसे धक्का दे दिया। ट्रैक्टर का धक्का लगने से एक युवक की घटनास्थल पर ही जान चली गई, वहीं मोटरसाइकिल पर सवार अन्य दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया महाशिवरात्रि को लेकर प्रशासन स्तर से 28 स्थानों पर दंडाधिकारी की हुई प्रतिनियुक्ति। महाशिवरात्रि को लेकर नवगछिया अनुमंडल प्रशासन स्तर से सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। महाशिवरात्रि का त्यौहार शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर प्रशासनिक स्तर से कुल 28 स्थानों के लिए 23 दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। महाशिवरात्रि को लेकर नवगछिया अनुमंडल कार्यालय में नियंत्रण कक्ष की भी स्थापना की गई है। नवगछिया अनुमंडल पदाधिकारी अखिलेश कुमार ने बताया कि पूजा शांतिपूर्ण संपन्न हो, इसको लेकर पुलिस पदाधिकारी एवं प्रशासनिक पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पूजा के दौरान विधि व्यवस्था के मद्देनजर सभी दंडाधिकारी को समय पर प्रतिनियुक्त स्थल पर तैनात रहने का निर्देश दिया गया है। महाशिवरात्रि के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाने की संभावना है, इसको लेकर इसकी कड़ी निगरानी एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं थाना अध्यक्ष को अपने अपने क्षेत्र अंतर्गत भ्रमणशील रहकर पूरी चौकसी एवं कड़ी निगरानी बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। खासकर अधिक भीड़ वाले मंदिर में तथा इस अवसर पर निकाले जाने वाले बारात पर विशेष निगरानी एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। साथ ही कोविड संक्रमण के मामले में हो रही वृद्धि को देखते हुए सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का भी निर्देश पदाधिकारी को दिया गया है। नवगछिया सॉफ्टबॉल क्रिकेट लीग 2021 4 अप्रैल से। भागलपुर जिला सॉफ्टबॉल क्रिकेट संघ के तत्वाधान में जिला सॉफ्टबॉल क्रिकेट लीग 2021 का आयोजन हाईस्कूल नवगछिया में 4 अप्रैल से आरंभ होने जा रहा है। सॉफ्टबॉल क्रिकेट संघ के संयोजक घनश्याम प्रसाद ने बताया कि लीग के सभी मैच 10-10 ओवर के होंगे। क्रिकेट लीग में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को जिला सॉफ्टबॉल क्रिकेट संघ से रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। मीडिया प्रभारी जेम्स ने बताया कि आवेदन की अंतिम तिथि 20 मार्च 2021 निर्धारित की गई है। मैच खन्ना कंपनी के टेनिस फॉरमैक्स बॉल से होगी। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। नवगछिया कोरोना वैक्सीन टीका का एसपी ने लिया दूसरा डोज। नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज को मंगलवार को कोविड-19 वैक्सीन का दूसरा डोज का टीकाकरण किया गया। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल के टीकाकरण केंद्र पर उन्होंने वैक्सीन का दूसरा डोज का टीका लिया। दूसरे डोज के वैक्सीन का टीका किए जाने के दौरान उनके साथ नवगछिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर वरुण कुमार मौजूद थे। नवगछिया बिजली आपूर्ति लचर, सुधार की मांग। नवगछिया में इन दिनों बिजली आपूर्ति चरमरा गई है। बिजली की आंख मिचौली से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अजय कुशवाहा ने कहा कि बिजली की आंख मिचौली नवगछिया के आम जनमानस को प्रभावित कर रहा है। बिजली विभाग के उदासीन रवैये के कारण नवगछिया में बिजली की स्थिति बद से बदतर हो गई है। बिजली विभाग के एसडीओ फोन उठाते नहीं है, क्या कारण है कि सरकारी नंबर भी नहीं उठा पा रहे हैं। आम जनमानस को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने विभाग के अधिकारियों से बिजली व्यवस्था में सुधार करने की मांग की है। 10वीं-12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका।
बीए, बीटेक, बीसीए, बीबीए, पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680, 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। नवगछिया, आरबीएल फाइनेंस लिमिटेड के दो ग्रुप लोन ऑफिसर पर पैसे गबन करने का आरोप। आरबीएल फाइनेंस लिमिटेड के दो ग्रुप लोन ऑफिसर पर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार देने के लिए लोन में दी जाने वाली राशि का गबन करने का आरोप है। इस संबंध में आरबीएल फाइनेंस लिमिटेड के एरिया मैनेजर मनोज कुमार चक्रवर्ती ने नवगछिया थाने में प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया है, जिसमें ग्रुप लोन ऑफिसर अररिया जिले के सुवालदह निवासी मोहम्मद हरीस एवं बांका जिले के फतेहपुर विशाम्बर चौक निवासी मिथुन कुमार कापरी को नामजद आरोपित बनाया गया है। एरिया मैनेजर ने पुलिस को बताया कि आरबीएल फाइनेंशियल लिमिटेड में नवगछिया ब्रांच में एरिया मैनेजर के रूप में कार्य करता हूँ। अररिया जिले के सुवालदह निवासी मोहम्मद हरीस, बांका जिले के फतेहपुर विशाम्बर चौक निवासी मिथुन कुमार कापरी ब्रांच में ग्रुप लोन ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे। इनका मुख्य कार्य ग्रामीण महिलाओं को जीविका हेतु उनके घर में ही रोजगार के लिए ऋण उपलब्ध करवाना था तथा निश्चित अवधि में प्रतिमा दिए गए कर्ज को सरल मासिक किस्तों पर लौटाने हेतु प्रोत्साहन करना था। जब एरिया मैनेजर द्वारा ऋण धारक की जांच की जाती है तो पाया गया कि 48 ऋण धारकों में से 36 ऋण धारकों को 101,843 रुपए मोहम्मद हरीज द्वारा गबन किया गया, 12 ऋण धारकों का कुल 29,300 रुपए मिथुन कापरी द्वारा गबन किया गया है। वहीं संदर्भ में नवगछिया थाना अध्यक्ष शैलेश कुमार ने कहा कि आवेदन प्राप्त हुआ है, पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। नवगछिया के बीहपुर में चल रहा था अवैध दवाई के दुकान। बीहपुर हाट के वार्ड नंबर 3 में चल रहे अवैध दवाई के दुकान में ड्रग कंट्रोल एडमिशन भागलपुर की 5 सदस्यीय टीम ने छापेमारी की। ड्रग कंट्रोल एडमिशन टीम के डॉक्टर कुंदन प्रसाद ने बताया कि मकान मालिक मोहम्मद गुलजार के मकान में मोहम्मद आलम के द्वारा दुकान संचालन पिछले 1 साल से किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि बिना लाइसेंस बिना डिग्री के प्रैक्टिस किया जा रहा था। मौके पर बीहपुर थाने के पुलिस दलबल के साथ मौजूद थे। वहीं गुप्त सूचना के अनुसार मोहम्मद आलम गौरीपुर मध्य वार्ड नंबर 3 का रहने वाला है। सभी दवाई को सील कर बीहपुर थाना ले जाया गया, जहां प्राथमिकी दर्ज कराई गई। नवगछिया, सैदपुर पंचायत की विभिन्न योजनाओं की जांच कार्यपालक पदाधिकारी ने किया। नवगछिया नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी संजीव कुमार ने मंगलवार को सैदपुर पंचायत की विभिन्न योजनाओं की जाँच अभिलेख के आधार पर पंचायत भवन में किया। उन्होंने बताया कि जांच रिपोर्ट अनुमंडल पदाधिकारी को सौंपी जाएगी। जांच हेतु वे अपने साथ अभिलेख भी ले गए। बताते चले कि सैदपुर के ग्रामीण ने वरीय अधिकारियों को लिखित आवेदन देकर विभिन्न योजनाओं की जांच की मांग की थी। गोपालपुर, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत प्रसूताओं की हुई जांच। सीएससी गोपालपुर में 117 प्रसूताओं की जांच कर निःशुल्क आयरन व कैल्शियम की टिकिया दी गई। उक्त जानकारी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुधांशु कुमार ने दी है। विवाह भवन 0 माइल NH 31 नवगछिया। शादी विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारे। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533 नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट। अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया, स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। खुल गया आवासीय स्कूल ऑफ एक्सलेंस फुलडोबी गेराबाड़ी कटिहार नियर वासंतिक नवरात्र मंदिर राजपूत मंदिर। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित 25 दिसंबर से नामांकन प्रारंभ है। कक्षा प्री नर्सरी से 8वीं तक रहने खाने पढ़ने सहित कंप्यूटर एवं अंग्रेजी स्पोकन की विशेष व्यवस्था। संपर्क करें रणवीर कुमार झा 8051550121 AK झा 9472833513।
दसवीं बारहवीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। एमएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। बीए, बीटेक, बीसीए, बीबीए, पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680, 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन, रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल।